तो टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो क्या क्या टूल्स डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में लगते हैं? पहली बात तो मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स लगते हैं। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। क्या क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि अलग अलग जगह पे डीएनए को कट करते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम, जो डीएनए को बढ़ाते हैं। लाइगेज एंजाइम, जो जोड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बनाते हैं। वेक्टर चाहिए, जो कि होस्ट में ट्रांसफर करने के काम आता है, जो हमारा डिजायर्ड जीन है। और चाहिए होता है होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये हमें इतनी चीजें चाहिए होती हैं। आ रही है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर एंड होस्ट एंजाइम, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अगर हम देखें तो 1963 में इसकी खोज हुई। 1963 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज हुई, 1963 में। टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। दो एंजाइम्स आइडेंटिफाई किए गए जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को ई कोलाई में रोक देते थे, ठीक है। ये खोज अगर हम बात करें तो ये खोज किसने की? 1963 में आर्बर और स्टुअर्ट लिन ने। आर्बर, एक तो थे आर्बर और दूसरे थे स्टुअर्ट लिन। आर्बर अलोंग विद स्टुअर्ट लिन, ही आइडेंटिफाइड टू एंजाइम्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकने का मैकेनिज्म होता है। कैसे करता है ई कोलाई? उसके पास दो एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम उसमें से क्या करता था? दैट एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए व्हाइल द अदर कट द डीएनए। जो बाद में कट करता था उसे कहा गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था उसे कहते थे मिथाइलेज। तो ये दो एंजाइम ढूंढे गए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज। तो मिथाइलेज जो एंजाइम था, मिथाइलेज, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था बैक्टीरिया के खुद के डीएनए पे, ताकि उसका खुद का डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ना कटे। और दूसरा होता था आरी, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जगह जगह से कट कर देता था और इस तरह से बैक्टीरियोफेज इंफेक्शन नहीं फैला पाता था, ठीक है। क्या बात को समझे आप? कहने का ये मतलब है, यस सर। बना के दिखाता हूं कि मान लीजिए ये ई कोलाय है, ई कोलाय, और ई कोलाय में इन्फेक्शन किया किसी बैक्टीरियोफेज ने। बैक्टीरियोफेज का मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। ये इसने इन्फेक्शन किया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। जैसे इसके अंदर आया जेनेटिक मटेरियल, तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट जो एंजाइम्स हैं, ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये कह लीजिए आरी, ये आरी नहीं रहा है, ये आरी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जगह जगह से कट कर देगा। और जब कट करेगा तो बैक्टीरियोफेज के डीएनए की क्या बना देगा? टुकड़े बना देगा ये, जिससे बैक्टीरियोफेज इकोलाई में इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ एक और एंजाइम होता है मिथाइलेज। ये मिथाइलेज जो एंजाइम है, ये मिथाइल ग्रुप का एडिशन करता है बैक्टीरिया के डीएनए पे। मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए हम नीले से बना देते हैं, ये इसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है ताकि बैक्टीरिया का डीएनए आरए से ना कटे। क्या बात क्लियर हो गई बेटा? यस सर। तो सबसे पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ढूंढा गया, ठीक है, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंड 2 whose function depends upon a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. 5 year बाद इसको characterize किया गया। It was found that Hind 2 always cut DNA molecule at a specific particular point of recognizing a specific sequence of 6 base pairs. ये 6 base pairs को recognize करता था और वहीं cut करता था।
और जिस बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता था वो क्या था, वो था जी ए ए जी और एक वो सीक्वेंस था जी टी टी ए ए सी जी टी टी ए ए सी। ये जो है ये 5' एंड है और दूसरा जो है ना वो 3' एंड है, 3', ठीक है, 5' और 3' एंड पे ये इस तरह से बना हुआ था, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। इसका बेस पेयर आप बता सकते हैं क्या बनेगा नीचे की तरफ 3' और 5' पे, जरा बताइए। तो क्या आप जानते हो कि डीएनए तो अगर आप ध्यान से पढ़िए तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है असल में, जी टी टी ए सी 5' to 3' और नीचे वाले में 3' to 5' जी ए टी टी सी। 5' से 3' अगर आप पढ़ेंगे तो हमेशा सीक्वेंस सेम आएगा, जी टी टी ए सी जी टी टी ए सी, यही इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है। जब उसको ऐसा सीक्वेंस मिलता है तभी वो डीएनए को कट करता है इसी जगह पे, थोड़ा सा सेंटर से दूर कट करता है, आगे हम देखेंगे। तो ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस क्या हो गया, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब हुआ कि विच इज रेड सेम, है ना, आगे पीछे से पढ़े तो सेम आएगा। आप ऊपर पढ़िए जी टी टी ए सी और नीचे भी अगर 5' to 3' पढ़िए तो जी टी टी ए सी ही आएगा, 5' to 3' ये सेम रीड करते हैं दोनों स्टैंड्स ऑफ डीएनए पे, ये जो दो स्टैंड्स डीएनए के होते हैं इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है जो उल्टा सीधा एक समान होता है, उसी को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो जरा इसे क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड टू हमने आइसोलेट किया और ये हिंड टू आइसोलेट किया गया था, और 5 साल बाद इसे बताया गया। इट वॉज फाउंड दैट हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 base pair। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसी को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस अभी बताया वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है हमेशा, मतलब 5' to 3' पढ़ेंगे तो हमेशा सही आएगा। बिसाइड हिंट टू टुडे वी नो मोर देन 900 आरीज, हम आज 900 से ज्यादा आरी खोज चुके हैं जो 203 अलग अलग स्ट्रेन में से निकाले गए, मतलब स्ट्रेन बनाए गए 230 और उसमें से 900 आरी वो आइसोलेट कर लिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन से। इसका मतलब ये जो आरी हम ऑप्टेन कर रहे हैं वो किससे ऑप्टेन कर रहे हैं, वो हम प्रोकैरियोटिक सेल से बैक्टीरिया सेल, या हम किससे ऑप्टेन कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से तो ऑप्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपके आरी हैं ये क्या है, ये बैक्टीरिया के किस सिस्टम के पार्ट है, उसके डिफेंस सिस्टम के पार्ट है, ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम के पार्ट हैं जिसको हमने आइसोलेट किया, डिफेंस सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम के पार्ट है। बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है ताकि बैक्टीरियोफेज में इंफेक्शन ना फैला सके, ठीक है। द कन्वेक्शन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर, क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस, पहला लेटर किससे आता है, जीनस से, ठीक है। एंड द सेकंड टू लेटर्स कम्स फ्रॉम द स्पीशीज, पहला लेटर जीनस से आता है, जैसे ये हिंड टू में देखिए एच हीमोफाइलस, और दूसरा नेम आता है इन्फ्लुएंजे से, मतलब स्पीशीज से, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से ऑप्टेन करते हैं, फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। जैसे कि इको आर1 की हम अगर यहाँ बात करें, इको आर1 की, ठीक है, तो इको आर1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इको आर1 में पहला लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम,
आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, ये आर क्या है स्ट्रेन का नेम है ना, और ई क्या है जीनस का, सीओ कोलाई क्या है स्पीशीज का, आर क्या है स्ट्रेन का, और ये रोमन फिगर जो है वन, ये मतलब पहले पहला खोजा गया उस स्ट्रेन में से, क्या इस बात को समझ पाए? यस सर। ये बात समझ गए होंगे आप। यहाँ पर हम बता दें आपको फिर से, इको आर वन की अगर हम बात करें तो ये किसका नेम है जीनस का, ये सेकंड जो लेटर है ये किसके हैं स्पीशीज के, ये आर जो है वो क्या बताता है कौन से स्ट्रेन से खोजा गया, स्ट्रेन को भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, और जो आखिरी लेटर है रोमन फिगर में बताता है कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन किस ऑर्डर में हमने आइसोलेट किया, ठीक है ना बच्चा। तो ये नाम कैसे होता है ये आपने क्लियर कर लिया? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं जी बच्चा। सर जो विंड टू तो फर्स्ट डिस्कवर्ड आ रही है ना? हाँ, पर वो पहला जो डिस्कवरी था वो सही से आइसोलेट नहीं कर पाए थे, वो प्रॉपर फॉर्म में जब आइसोलेट नहीं किया गया तो उसको क्या नाम दिया जाए, वो बिगड़ गया। तो पहली बार जो आइसोलेट करने में सफल हो पाया वो हिंट टू था, पहली बार जो आइसोलेट किया गया ना वो हिंट टू था, हिंट वन नहीं था, क्योंकि हिंट वन वॉज नॉट आइसोलेटेड इन द ओरिजिनल फॉर्म और कम्प्लीट फॉर्म, उसको आइसोलेट नहीं कर पाए। देखिये बताना बहुत आसान होता है पर प्रैक्टिकली आइसोलेट करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब देखिए तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियेजेस, ये लार्जर क्लास को बिलोंग करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियेजेस। न्यूक्लियेजेस में दो तरह के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस, नाम से क्लियर हो गया होगा आपको, जैसे प्रोटीन में भी होते हैं, ठीक है, एक्सो पेप्टाइडेजेस एंडो पेप्टाइडेजेस। तो एक्सो न्यूक्लियेजेस न्यूक्लियोटाइड को कट करता है कहां से, एंड से, किसी एक एंड से, फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए, वेयर एज एंडोन्यूक्लियेजेस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। इसका मतलब अगर हम बात करें एक्सो न्यूक्लियस की, एक्सो न्यूक्लियेजेस और एंडोन्यूक्लियेजेस, और दूसरा एंडो न्यूक्लियेजेस। तो एक्सो न्यूक्लियेजेस अगर ये डीएनए है, डीएनए की लेंथ है और ये भी डीएनए है, तो एक्सो न्यूक्लियेजेस जो कट करता है ना बेटा जी, वो किनारे से करता है, किनारे से कट करता है तो एक्सो, और एंडोन्यूक्लियेजेस अपना एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है जो अक्सर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, और कहीं बीच में से कट करता है उसी सीक्वेंस पे, वो होता है एंडोन्यूक्लियेजेस। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, एक्सोन्यूक्लियेजेस का नहीं, ठीक है, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंडोन्यूक्लियेजेस का डीएनए, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेजेस का यूज नहीं कर रहे। Each restriction endonucleases function by inspecting the length of a DNA sequence. वो DNA sequence की length को inspect करता है, check करता है। एक बार जैसे उसको recognition sequence मिलता है, वहाँ cut करता है। Once it finds its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of double helix at a specific point in their sugar phosphate backbone. और जैसे वो ढूंढ लेता है, उसकी जगह उसे मिल जाती है, वो तुरंत क्या करता है? कि स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानते ही दोनों डीएनए पे कट करता है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, जो मैंने आपको बताया, जो ऊपर और नीचे 5' to 3' सेम रेड करता है, एक जैसा होता है, उल्टा सीधा एक समान, उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है सर। एक्सोन्यूक्लियस क्यों यूज नहीं करते? एक्सोन्यूक्लियस यूज करने पे आपको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, आपको आप किनारे ही आपका जीन सेगमेंट मिल जाए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा जरूरी नहीं है, वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए क्या होता है, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, आगे भी आपको मिलेगा ही। मान लीजिए कि आप ये डीएनए सीक्वेंस है, कोई लंबा सा डीएनए सीक्वेंस आपने बनाया, ये डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये बने हुए हैं, और आपको कोई पर्टिकुलर जीन चाहिए, आपने ढूंढा और आपको पता लगा आपका पर्टिकुलर जीन यहाँ कहीं बीच में है, इस जगह पे, अक्सर कहीं बीच में सीक्वेंस होता है, एकदम किनारे ही हमेशा सीक्वेंस नहीं मिलता है, ठीक है।
यहाँ है कोई जीन सीक्वेंस मान लो, या तो यहाँ है बीच में कहीं। अब आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा निकालोगे कि कम से कम यहाँ से और यहाँ से ऐसे कट जाए। तो जब ये कट जाएगा तो आपका जीन सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, ये जो आपको चाहिए था डिजायर्ड जीन सीक्वेंस ये था आपका। तो आपने इसको, इसकी स्टडी करते हैं हम, बहुत स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि जीन सीक्वेंस कहाँ है और कौन सा आरी यूज कर सकते हैं, उस जीन सीक्वेंस के अगल बगल कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, किस आरी का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, उसी आरी का इस्तेमाल करके हम जीन सीक्वेंस को कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो अक्सर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, वो कहाँ होता है, बीच में कहीं होता है। तो इसीलिए एंडो न्यूक्लियस को हम कहते हैं ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब वो जीन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको निकालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसकी जरूरत है आपको। बात समझे आप बेटा? Yes, sir. इसीलिए हमको ऐसा आरी ढूंढना होता है, पहले हम स्टडी करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की, उसके अगल बगल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढते हैं। अगर हमको अगल बगल मिल जाता है किसी आरी का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिस आरी का मिलता है वही आरी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे आरी का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बड़ा जीन सीक्वेंस मिलेगा, हो सकता है उसमें एक आध और जीन सीक्वेंस आ जाए जो हमारे एक्सपेरिमेंट को सही से परफॉर्म ना होने दे। क्या बात को समझे आप? Yes, sir. अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्शन ऑफ आरी ये दिखाया गया है, एक्शन ऑफ आरी। तो आरी जो है उसका जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल हिंट टू की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वहां पर क्या था, जी टी टी ए सी, यही था ना, जी टी टी ए सी था। और यहाँ पे क्या होता है, देखो दी इको आर वन कट्स दी डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ए ओनली व्हेन दी सीक्वेंस जी ए टी टी सी इज प्रेजेंट। वहां क्या था, जी टी टी ए सी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया, जी ए टी टी सी, ये इको आर वन का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जिसे वो पहचानता है। क्या बात को समझे आप? यस सर। तो ये जी ए टी टी सी को ढूंढेगा, इको आर वन आपने लगाया, इसने जी ए टी टी सी ढूंढ निकाला। ये देखो जी ए टी टी सी, जी ए टी टी सी उसने ढूंढ निकाला दो अलग अलग स्टैंड ऑफ डीएनए में, यहाँ पर पहले रेड वाले में देखिए। परंतु ये क्या करता है, एकदम बीच से कट नहीं करता, अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये कट करता है, पर हमेशा जी और ए के बीच में ही कट करता है, हमेशा जी और ए के बीच में ही कट करता है। तो इसने जी और ए के बीच में यहाँ कट कर दिया, इस जगह कट किया ना। और ऐसे ही यहाँ पर, हाँ जी, जी और ए के बीच में यहाँ पर कट कर दिया, ये देखिए जी और ए के बीच में इस जगह पे कट कर दिया, ये बनाएगा ऐसे, ऐसे कट हो गया ये, और इसको कट किया तो ये ऐसे कट हो गया, क्योंकि हमेशा जी और ए के बीच में कट करता है, ऊपर भी जी और ए के बीच में, नीचे भी जी और ए के बीच में कट किया इसने, कट कर दिया। जब कट कर दिया तो इसकी शक्ल देखिए कुछ ऐसी बनेगी जैसे कि नीचे वाले डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जी ए ए टी टी सी यहाँ से गायब हो गया, और नीचे वाले में जी ए ए ए टी टी सी यहाँ भी गायब हो गया। इस तरह से ये जो एंड बने, इन एंड को स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपस में जुड़ सकते हैं, अगर ये दोनों स्टैंड आप साथ मिलाएंगे तो आपस में अपने आप जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टी है वो ए के साथ बना लेगा, ये टी ए के साथ बना लेगा, ए टी के साथ बना लेगा, और ए टी के साथ बना लेगा, और वही चीज आपको यहाँ पर मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये अपने आप जुड़ जाएंगे दोनों एंड, क्यों, क्योंकि इनको अपने बेस पेयर्स मिल जा रहे हैं सामने ही, इसीलिए इससे जुड़ जाते हैं। इन्हें हम स्टिकी एंड कहते हैं, चिपकने वाला एंड कहते हैं, जो अपने आप जुड़कर चिपक जाते हैं। क्या बात को समझ गए? यस सर। बात में कोई दिक्कत? नो सर। तो इस तरह से ये है स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आर वन। अब आगे लिख रहा है, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर, पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड व्हेन रेड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एग्जाम्पल मलयालम। आप चाहे इसको फॉरवर्ड पढ़िए चाहे बैकवर्ड, ये सेम दिखते हैं, सेम पढ़े जाते हैं, जैसे कि मलयालम को चाहे उल्टा सीधा एक समान है ना, तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, डालडा, डालडे को पढ़ेंगे डालडा ही आएगा,
ऐसे बहुत से लेटर आप बता सकते हैं. एज अगेंस्ट द वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सीक्वेंस वर्ड इज रेड इन बोथ डायरेक्शन द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम. मतलब हमेशा ओरिएंटेशन सेम रखिए 5' to 3', या फिर दोनों में 3' to 5' पढ़िए. जैसे कि जी ए टी टी सी 5' to 3', नीचे भी उसी में पढ़ना पड़ेगा. और अगर 3' to 5' पढ़ेंगे तो सी टी टी ए जी, चाहे ऊपर पढ़िए चाहे नीचे पढ़िए, ये क्या सेम आएगा? ये अलग नहीं आएगा. क्या ये बात को समझ गए बेटा जी आप? Yes, तो यहाँ पर इसने बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट दी स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट बट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड. जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस लीव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस एट ईच एंड, जिससे सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन दोनों एंड पे बच जाते हैं. दीज ओवरहैंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स, इनको स्टिकी एंड्स कहते हैं, ऑन ईच स्ट्रैंड. दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with their complementary cut counterparts. This stickiness of the ends facilitates the action of enzyme DNA ligase. ये enzyme DNA ligase को इनको जोड़ने में बहुत मदद करता है, facilitate करता है, आराम से जुड़ जाता है. ठीक है, क्या बात को समझ गए? इसके अलावा जो होता है ना, कभी कभार blunt end भी produce हो जाता है, sticky की जगह blunt end भी produce हो जाता है कुछ cases में, blunt ends. ब्लंट एंड्स कैसे? जैसे अगर हम एक एंजाइम है इस्मा वन नाम दिया जाता है उसको, ठीक है. इस्मा वन का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो सी 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 जी 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 होता है, सी 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 जी जी जी. तो यहाँ हो गया जी 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 और सी सी सी. अगर आप देखें तो ओरिएंटेशन वो यही है 5' to 3', और यहाँ पर 3' to 5'. तो 5' to 3' हमेशा सी 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 जी 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 पढ़ेगा. ये बिल्कुल बीचों बीच कट करता है ऐसे, ये देखिए एकदम बीच से कट कर दिया ऐसे. जब बीच से कट कर दिया तो इसने स्टिकी एंड नहीं बनाए, इसने ब्लंट एंड्स बना दिए. ये ऐसे ब्लंट एंड बन जाते हैं इस केस में. और ब्लंट एंड में आप जानते हो यहाँ पर सी सी सी, यहाँ पर जी जी जी, और यहाँ पर जी जी जी, और यहाँ पर सी सी सी. इसे हम कहते हैं ब्लंट एंड. ये जो प्रोड्यूस हुआ यही डियर ब्लंट एंड्स हैं. यहाँ पर स्टिकी एंड्स नहीं बने, ब्लंट एंड बने. तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे आपस में, ठीक है, क्योंकि अब इनको जुड़ना पड़ेगा और ये फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे, जो डीएनए लाइगेज अब इनमें बनाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और तब इनको जोड़ पाएगा. अगर स्टिकी एंड मिलते हैं तो फैसिलिटेट करना आसान होता है, एंड्स को जोड़ना आसान होता है, एंड को खुद ही ढूंढ लेते हैं वो और जुड़ जाते हैं आसानी से. ब्लंट एंड को कम प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो खुद से नहीं जुड़ पाते, अब उनको डीएनए लाइगेज को उनको जोड़ना होगा. क्या बात को समझ गए आप? स्टिकी और ब्लंट एंड, ठीक है. आगे देखिए, तो ये बता रहा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं एंडोन्यूक्लियेसेस आरई आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए विच आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज या जीनोम. दो अलग अलग डीएनए को मिलाने का काम ये करते हैं. वो डीएनए सीक्वेंस अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में रेड और ब्लैक जो है डीएनए देखा कि वो अलग अलग जीनोम थे और उनको आपस में जोड़ा जा सकता था जब दोनों को एक ही आरी से काटा जाए. दोनों को जब हमने इको आर1 से काटा तो स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुए, आपस में आके जुड़ जाते हैं. इस तरह से डीएनए आपस में जुड़ जाता है. व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये लिख रहा है ना, जब सेम आरी से कट करेंगे तभी आप जोड़ पाएंगे, तभी स्टिकी एंड बढ़िया से प्रोड्यूस होगा. द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स एंड दीज कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज. फिर डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं जो बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है. तो मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है आपको बेटा जी, है ना? सर ब्लंट एंड कब बनता है?
ब्लंट एंड जब हम ऐसा आरी यूज करें जो बिल्कुल बीचों बीच कट करे, ऐसे कम होते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल बताया, इस्मावन का एग्जांपल बताया ना आपको बेटा। यस सर, इस्मावन। ब्लंट एंड या फ्लश एंड उसको हम कहते हैं, FLUSH, फ्लश एंड। तो इस्मावन फ्लश एंड बना रहा है, पर ब्लंट एंड वाले कम प्रेफर किए जाते हैं क्योंकि उसमें आपस में जुड़ने में दिक्कत होती है। यस सर, बात को समझ गए होंगे। कोई और डाउट है तो पूछिए। यस सर। अब यहाँ पे ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि वेक्टर के साथ कैसे फॉरेन डीएनए को मिलाएं। हाँ, ये फॉरेन डीएनए है, सेम आरी का यूज किया गया। फॉरेन डीएनए में ये सेम आरी का यूज किया गया। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, उसने कट कर दिया यहाँ पे, ये जो फॉरेन डीएनए हमारा है इसको कट कर दिया ऐसे, और आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट ये निकल आया बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से कट कर दिया, इधर भी इसको साइट मिल गई रिकॉग्निशन सीक्वेंस और इधर भी मिल गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बीचों बीच होता है। जब कट कर दिया, इधर हमने प्लाज्मिड को भी कट कर दिया जो कि हमारा वेक्टर का काम करेगा, और डीएनए लाइगेजेस को जब यूज किया तो डीएनए लाइगेजेस ने इस फॉरेन जीन को इस वेक्टर के साथ जोड़ दिया। देखिए जुड़ गया, और ये जो अब प्लाज्मिड बना ये असल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, क्योंकि आपने इसमें फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ गया बेटा जी? यस सर। कोई डाउट हो तो बताइएगा, हम धीरे धीरे आराम से पढ़ाएंगे। अब देखिए, जब एक बार ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड आ गया तो हमने इसको ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जब ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कराया तो ये ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई हो गया, क्योंकि इसके अंदर आपका प्लाज्मिड चला गया, प्लाज्मिड के साथ साथ आपका डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला गया, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है। देख रहे हैं, ई कोलाई में हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए, यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है नीला वाला, तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा, सेल जब डिवाइड करेगा, तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करेगा, है ना? पर आपको पता था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करने के लिए जरूरी होता है कि इट मस्ट बी लिंक टू द ओरिसाइट, मतलब ओरिसाइट का होना जरूरी है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है, तभी आपका डिजायर्ड जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई करेगा। ये बात हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, है ना? यस सर। आगे ये कह रहा है कि यू मे हैव रियलाइज्ड, आप अब तक समझ चुके होंगे दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। आपको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस एंजाइम से आपने जो चुना है उस एंजाइम से कट कर रहे हैं, उसी आरी से आपको वेक्टर को भी कट करना होगा, तभी वो आपस में जुड़ पाएंगे, अदरवाइज आप रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वेक्टर को प्लाज्मिड को भी उसी आरी से कट किया और उसी आरी से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपने निकाला, जिस भी डीएनए से निकाल रहे हैं, जो भी लेंथ ऑफ क्रोमोसोम से निकाल रहे हैं। ये बात कई बार आ गई जो आप समझ चुके हैं, ठीक है? ठीक है ना बच्चा? यस सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब जो वेक्टर्स है ना, जैसे इसने अब दिया है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स दिया है, फिर क्लोनिंग वेक्टर के बारे में यहाँ पर बात इसने दी है, तो अब अगला स्टेप हम पढ़ लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर भी पढ़ सकते हैं, पर हम देखते हैं यहाँ क्या कर रहा है, कैसे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट हो रहा है, इसके लिए क्या यूज कर रहा है। तो यहाँ पर सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो डीएनए फ्रेगमेंट आपने काटा, आपने तो क्या किया, आरई इंट्रोड्यूस करा दिया और उसने जाके डीएनए को काट दिया। आपका डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट अब उस सेल में है, टूटा हुआ, कटा हुआ, और बड़े बड़े और फ्रेगमेंट्स भी हो सकते हैं उस सेल में। तो आप अपना जो डिजायर्ड जीन सीक्वेंस उसको निकाले कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं जरा इसको ड्रॉ करता हूँ कि मान लीजिए ये डीएनए का सीक्वेंस था और आपका डिजायर्ड जीन सीक्वेंस यहाँ कहीं था। डिजायर्ड जीन सीक्वेंस मान लीजिए यहाँ कहीं, ये रेड कलर में है,
आपने एक आरी का यूज किया, उस आरी ने यहाँ कहीं कट कर दिया, उसका सीक्वेंस यहाँ पे था, क्योंकि पहले आप स्टडी करोगे तभी आरी का यूज करोगे। अब क्या बन गया, आपका ये सीक्वेंस बन गया, आपका जो डिजायर्ड जीन सीक्वेंस है ये रहा, मगर साथ ही साथ आपको दूसरे भी तो सीक्वेंस मिलेंगे ना ऐसे, ये अब ये सेल में पड़ा हुआ है कट के, पर आप देख के पता नहीं लगा सकते, आप ऐसे थोड़ी ढूंढ लोगे कहाँ गया हमारा, यही हमारा डिजायर्ड जीन सीक्वेंस है, आप डिजायर्ड जीन सीक्वेंस को ऐसे नहीं ढूंढ सकते। तो आप उसे सेपरेट करोगे और जीन सीक्वेंस से जो आपको जरूरत नहीं है वो बड़े बड़े जो है, और फिर उसको आइसोलेट करोगे, उसको बाहर निकालोगे। तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन सीक्वेंस, पहले उसको निकालिए फिर वेक्टर के साथ जोड़िएगा। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंड रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, कई सारे फ्रेगमेंट डीएनए के बन जाते हैं। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको एक टेक्निक से हम सेपरेट कर सकते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम जेल का इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली कि पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा, यही होगा ना? सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड, मतलब पॉजिटिव चार्ज, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, मीडियम या मैट्रिक्स के अंदर इनको हम मूव कराएंगे। नाउडेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोस, एग्रोस जेल यूज करते हैं, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। ये एग्रोस बहुत जगह यूज होता है, मीडियम के रूप में भी यूज होता है बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, ये सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर गया एक पॉलीमर होता है, ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट या रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोस जेल। Hence, the smaller fragment size, the smaller the fragment size, the further it moves. जितना छोटा होगा उतनी जल्दी वो move करेगा। कैसे, जरा मैं एक diagram में बना के आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये aggrose gel कुछ इस तरह से use होता है, ये ठीक है। यहाँ पर हमने दो electrode लगा दिए, दो electrode का use कर रहे हैं, एक electrode ऐसे लगा दिया, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कह लीजिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एनोड, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये कैथोड हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है, इसके अंदर एग्रोस जेल पड़ा हुआ होता है। एग्रोस जेल जो होता है ना डियर, वो हीट करके कूल करते हैं तो ऐसे पॉलीमराइज कर जाता है ये ऐसे। तो एग्रोस जेल में ये जो देख रहे हैं आप सीव्स बन गए, पोर्स बन गए, ये पोर्स बन गए। तो इन पोर से होता हुआ जो डीएनए फ्रेगमेंट है, मान लीजिए डीएनए फ्रेगमेंट का कलर हम ग्रीन बना देते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट है बड़े छोटे बड़े छोटे, ये सब इसी में से होकर गुजरते हैं और आते हैं एनोड की तरफ। जो जितना छोटा होता है वो जल्दी मूव कर जाता है, और जो जितना बड़ा होता है वो देर में मूव करता है। कैसे, देखिए अगर एग्रोस जेल में सीव्स बने ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सीव्स बन गए, होल्स बन गए, और इसमें से डीएनए फ्रेगमेंट को मूव करना है। आपका डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट इतना बड़ा है, और जो आपको नहीं चाहिए वो बहुत बड़ा है, इतने बड़े बड़े। तो ये रेड वाला तो घूमता फिरता कैसे भी इसमें से निकल जाएगा, धड़ से आगे चला जाएगा, पर ये ब्लू वाला जब आएगा, ये क्योंकि बड़ा है तो ये इससे टकराएगा, क्योंकि एक बार में अंदर नहीं जा पाएगा, ऐसे ही जाना चाहेगा जैसे हमने बनाया है लॉन्गिट्यूडनली। तो ये फिर मुड़ेगा, मुड़ के घूमेगा और फिर जाएगा, ये सीधे सीधे तो नहीं जा सकता ना। जैसे अगर बैरियर रेस हो और बैरियर सर के पास तक लगाया जाए, तो जो ऊंची हाइट वाला आदमी जब दौड़ता हुआ जाएगा तो उसको झुकना पड़ेगा, परंतु अगर छोटी हाइट वाला कोई नटुल्ला आदमी है तो भागता चला जाएगा, उसको झुकना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके सर से थोड़ा सा ऊपर हो गया। जो छोटे हैं वो धड़ाधड़ चले ही चले जाते हैं, पर बड़े वाले टकराते हैं, फिर मुड़ते हैं, घूमते हैं और फिर जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि स्मॉलर द फ्रेगमेंट The further it moves, उतना ही आगे वो पहुंच जाता है। मतलब रेस में फर्स्ट कौन आता है, वो सेगमेंट जो सबसे स्मॉल होता है, छोटा वाला होता है। क्या मेरी बात समझ गए क्या इसमें? हाँ, यस सर। क्लियर हो गई ना ये बात आपको कि छोटा वाला क्यों आगे मूव कर जाता है? क्योंकि एग्रोस जेल पॉलीमराइज कर जाता है, हीट करके फिर कूल करते हैं, पॉलीमराइजेशन में उसमें सीव्स बन जाते हैं,
होल्स बन जाते हैं, उस होल से छोटा फ्रेगमेंट तो तुरंत निकल जाता है पर बड़े फ्रेगमेंट को निकलने में टाइम लगता है, तो पीछे रह जाता है और रेस में आगे कौन पहुंच जाता है, जो फ्रेगमेंट छोटा होता है वो आगे छोटा। वही चीज यहाँ पर देखिए एग्रोस जेल प्लेट में आपको देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं आप ये वेल्स हैं, ये लार्जेस्ट वाले पीछे रह गए और स्मॉलेस्ट वाले आगे आ गए, इसका मतलब कि इधर क्या होगा, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ये दिखाया टिपिकल एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 एंड 4। इसका मतलब अनडाइजेस्टेड मतलब जो टुकड़े में नहीं बदले बड़े बड़े हैं, और डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जो टूट गए हैं वो दिखाए गए हैं यहाँ पर। और आपका डिजायर्ड जीन सेगमेंट हमेशा सबसे छोटा वाला होता है क्योंकि एक जो जीन सेगमेंट है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें से आपको कोई एक पार्ट चाहिए होता है जो जीन आपके काम का है, तो जब वो जीन निकालने जाएंगे आप तो वो छोटा सा ही होगा, उस बड़े डीएनए सीक्वेंस में छोटा सा सीक्वेंस होगा कोई, तो हमारे काम का हमेशा छोटा वाला ही होता है जो हमने कट किया है स्टडी करने के बाद, सबसे छोटा वाला हमें मिल जाता है उसी को हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं वो आगे बताया गया, देखिए दिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से हम इसे स्टेन कर लेते हैं डीएनए सीक्वेंस को, ईटीबीआर इसको कहते हैं हम, ईटीबीआर इथिडियम ब्रोमाइड ईटीबीआर से स्टेन कर लेते हैं और फिर